नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब खबरें विस्तार से। कृषि विकास और जिले के प्रभारी मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने पुलिस परेड ग्राउंड छिंदवाड़ा में बुधवार को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सार्वजनिक समारोह का मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण कर शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया और सभी को मध्य प्रदेश विकास के लिए संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन का सीधा प्रसारण भी हुआ। साथ ही मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विकास पर केंद्रित एक टेलीफिल्म का भी प्रसारण किया गया, जिसे देखकर और सुनकर सभी ने सराहना की। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रगान और मध्य प्रदेश गान का गायन भी किया गया। 66वें स्थापना दिवस पर मैं छिंदवाड़ा जिला वासियों को और मध्य प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमने मध्य प्रदेश में अनेक विकास के आयामों को छुआ है, लेकिन मंजिल अभी और तय करनी है। राज्य का सर्वांगीण विकास हो, सभी वर्गों के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंच सके और विशेष तौर से राज्य के किसानों को उनकी उपज का भावांतर योजना के अंतर्गत अधिकतम राशि उपलब्ध हो सके। जिले के प्रभारी मंत्री और जिला योजना समिति के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला योजना समिति की बैठक हुई। बैठक में पूर्व बैठक के कार्रवाई विवरण का पालन प्रतिवेदन, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना, रबी सीजन फसल तैयारी पर चर्चा के साथ ही उद्यानिकी और ऊर्जा विभाग की समीक्षा कर अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। मध्य प्रदेश गृह हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कृष्ण कुमार मोघे और विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह ने अटल आश्रम योजना का लोकार्पण किया। सोनपुर रोड तारा कॉलोनी में स्थित 100 मिल में रात तकरीबन 2 बजे भीषण आग लग गई, जिसके बाद नगर निगम और पुलिस प्रशासन का पूरा अमला मौके पर पहुंचा। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हमें तो सुबह 4:45 बजे फोन आया मोहल्ले वालों की तरफ से, वैसे ही हम लोग आ गए। उस समय आग थोड़ी सी लगी हुई थी और काफी गेट वेट खोला, उसके बाद से प्रशासन की मदद मिलनी शुरू हो गई। फायर ब्रिगेड साइन उसका काम हो जा रही है लगातार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ईएमएस टीवी। नमस्कार।